हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं बताऊंगा, आज अभी मेरे हैंडसेट में अभी एक एमआई का फ़ोन है, आप देख सकते हैं एमआई रेडमी का फ़ोन है दोस्तों, और वो फ़ोन लॉक हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पैटर्न लॉक है दोस्तों। यदि दोस्तों आपके फ़ोन में पैटर्न लॉक हो, पिन लॉक हो, पासवर्ड लॉक हो, अगर गलती से वाई डेबल लॉक लग जाता है और आप बहुत ही टेंशन में आ जाते हो, बहुत ही घबराहट हो जाता है दोस्तों कि ना किसी को कॉल कर पाओगे या ना किसी को मैसेज कर पाओगे दोस्तों। तो क्यों नहीं दोस्तों, अगर आपका फ़ोन लॉक है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे दोस्तों, ना कोई फाइल ओपन कर पाओगे, ना ही इंस्टाग्राम चला पाओगे, ना फेसबुक, ना रील चला पाओगे, ना व्हाट्सअप चला पाओगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक ट्रिक लाया हूँ कि आप अपने फ़ोन को घर बैठे अनलॉक कर सकते हो भी बहुत ही आसानी से। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल कंटी चैनल। यदि दोस्तों आपका भी कुछ इस प्रकार का लॉक लग जाता है और आप चाहते हो कि घर बैठे अनलॉक हो जाए, तो दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और जो मैं मेथड बताऊँगा उस मेथड को आप यूज कीजिएगा तो आपका फ़ोन भी रेडमी का, एम आई का, कोई भी फ़ोन का मॉडल क्यों ना रेडमी में या एम आई में, आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीका से, ना आपका कुछ भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ना जितना आपका फ़ोन में जो एप्लीकेशन, फाइल, इमेज, गेम्स जो डाउनलोड कर रखा होगा वो सब सही सलामत वहीं पे रहेगा दोस्तों। यदि दोस्तों आप कभी भी सर्विस सेंटर या रिपेयरिंग दुकानों पे जाओगे तो दोस्तों वहाँ पे जाते ही आपका बहुत ही नुकसान होने वाला है, इतना नुकसान होगा दोस्तों कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों मैं बता दूँ क्या नुकसान होने वाला है। पहला तो आपसे बहुत बड़ी रकम, मैंने 2 से 3 हज़ार रुपये तक आपसे ले लेगी दोस्तों, ये गौर से देखेगा दोस्तों, 2 से 3 हज़ार तक आपका पैसा ले लेगा। दूसरा, डाटा पूरा क्लियर करके देगा। और तीसरा, यहाँ पे आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, 2 से 3 सप्ताह तक आप अपने फ़ोन को देख भी नहीं पाओगे, ना किसी को मैसेज भी कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँगा, मैं विदाउट कंप्यूटर यानी बिना पीसी की मदद से अपने फ़ोन को अनलॉक करके आपको दिखाऊँगा लाइव दोस्तों। दोस्तों यदि आपके फ़ोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम का हल आपके लिए जरूर लाऊंगा दोस्तों। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करता, मैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बताऊँगा कि पिन लॉक, पैटर्न लॉक और पासवर्ड लॉक। अगर पिन लॉक लगा हो तो दोस्तों, या पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक लगा हो तो 6 से 4 डिजिट में होता है, तो जितना कम डिजिट का होता है उतना हार्ड होता है दोस्तों। आपका 6 डिजिट का होगा तो आपका बहुत इजी अनलॉक हो जाएगा, और 4 डिजिट का जिसका कोड होगा कमेंट करके बताएगा, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत ही हार्ड होता है दोस्तों फ़ोन को अनलॉक करना। जी हाँ दोस्तों, मैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और कमेंट करके ये नहीं भूलिएगा कि फ़ोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम का हल आपके लिए जरूर लाऊंगा। तो दोस्तों आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक स्टेप बता दो, पहले अपने फ़ोन में से सिम कार्ड को निकाल लीजिए या नहीं निकाले, इसके बाद पहले एयरप्लेन मोड को ओपन कर लीजिए। एयरप्लेन मोड को ओपन करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे जो वर्क काम करेगा वो फास्ट करेगा, और दोस्तों आप एयरप्लेन मोड नहीं करोगे तो कभी कभी वर्क भी काम नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पे स्वैप अप करते ही पिन, पैटर्न, पासवर्ड कुछ भी हो, मात्र यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे जाना है। इमरजेंसी कॉल पे जाते ही दोस्तों यहाँ पे मैं एक कोड डालूंगा, मात्र एक कोड की मदद से आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा बहुत ईजी तरीका से। ईजी है, आप सीख सकते हो दोस्तों। अगर ये कोड आपका एक भी मिस हो गया तो दोस्तों आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। *#8962180#0#" ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कोड आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे याद कर भी लीजिए। इसके बाद मात्र एक टाइम इसे कॉल करने पे इस कोड ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, और आपको एक मैं मैजिक दिखाऊंगा, मात्र एक मैजिक यानी होम बटन क्लिक कीजिएगा, आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा विदाउट डाटा लॉस। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मेरा फ़ोन विदाउट डाटा लॉस अनलॉक हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं YouTube पर ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करते रहता हूं दोस्तों। अब कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके बताएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस परेशानी का आपके लिए हल जरूर लाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।